मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों से ऑक्सीजन व रेमडेसिविर इंजेक्शन की मिल रही मदद से प्रदेश में मरीजों को राहत की सांस मिलती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में बेंगलुरु से इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे 312 रेमडेसिविर इंजेक्शन के बॉक्स, जिसे चॉपर व स्टेट प्लेन के माध्यम से कई जिलों में जिला प्रशासन द्वारा भेजा गया। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों कोरोना महामारी की संख्या में जिस तरह से बढ़ोतरी देखी गई थी, उसी के चलते प्रदेश सहित इंदौर शहर में सरकारी व निजी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन व कोरोना महामारी में अहम दवाई मानी जा रही रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी देखी गई थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए प्रदेश के जिला प्रशासन व राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्यों से मदद को लेकर संपर्क किया गया था, जिसके बाद गुजरात, बेंगलुरु सहित अन्य कई राज्यों से ऑक्सीजन व रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप लगातार इंदौर पहुंच रही है और इन सभी दवाइयों को अन्य राज्यों से जल्द पहुंचाने की मंशा से जिला प्रशासन द्वारा स्टेट प्लेन व चॉपर की मदद से अन्य जिलों में भेजी जा रही है। मंगलवार को बेंगलुरु से 312 बॉक्स रेमडेसिविर इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जिन्हें रीवा, रतलाम, जबलपुर, भोपाल, शहडोल, ग्वालियर सहित अन्य जिलों में भेजा जा रहा है, ताकि कोरोना पीड़ित मरीजों को जल्द राहत पहुंचाई जा सके। तो वहीं इंदौर संभाग के जिलों के लिए 87 बॉक्स का वितरण किया जाएगा। आज जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो खेप आई, इसके संबंध में कलेक्टर महोदय एवं डिविजनल कमिश्नर महोदय ने मुझे निर्देश दिए थे कि एयरपोर्ट पहुंच करके इनका समन्वय स्थापित किया जाए और चॉपर से और प्लेन से ये रीवा, ग्वालियर, शहडोल, रतलाम, जबलपुर, भोपाल पहुँचाए जाने हैं। आज ये 310 बॉक्सेस आए हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंगली कर दिया गया है और इसमें जो इंदौर का मेडिकल कॉलेज है और इंदौर के संभाग के अंदर जो ज़िले हैं उनके लिए जो जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ हैं उनके लिए भी इसमें जो निर्धारित संख्या में बॉक्स आए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करके 87 बॉक्सेस लोकल इनको दिए जा रहे हैं। बेंगलोर से? हाँ, ये स्टेट प्लेन से बेंगलोर से आज ये खेप आई है।